वाह नज़ारा, चल ये जा के देखो देखो तू। वादियाँ पूरा नेचर में यार। यहाँ से हमको लगता है कि ये राजगीर का पूरा जो बेस्ट व्यू है वो देखने को मिलेगा। ये देखो नीचे, डर लगता है यार देखकर थोड़ा। अरे भाई बढ़िया, कैसा लग रहा भाई इधर आकर? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा। यहाँ पर लोग सेल्फी वेल्फी लेते हैं। सारी शिकायतें खत्म हो गई जो भी बाहर थी, खत्म हो गया। ये जो हवा आ रहा है लग रहा है कि स्वर्ग से हवा आ रहा है। थोड़ा हिलता भी है ना? हाँ हिल रहा है, हल्का हल्का हिल भी रहा है यार। और ये देखो फ्रंट साइड से कुछ ऐसा सीन है और बहुत मजा आ रहा है यार। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का बंजारा यात्री के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने गांव आया हुआ हूं, मींस बिहार आया हुआ हूं, और बिहार आकर आप लोगों को बिहार ना दिखाऊं ऐसा हो सकता है क्या? तो फाइनली मैं एक छोटा सा टूर प्लान किया हूं कि चलो आप लोगों को बिहार दिखाता हूं। लद्दाख टूर से पहले एक छोटा सा ट्रिप है जो कि राजगीर का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेस। और ये जो भाई आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे हमारे जस्ट बगल में, ये भाई भी इस टूर को ज्वाइन किया है और ये आगे तक ज्वाइन करेंगे। लगभग यूपी जब मैं एक्सप्लोर करूँगा तब तक ये भाई साथ में रहेंगे और आप लोगों को अच्छा अच्छा नज़ारा दिखाने वाला अभी हूँ। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि एक ब्रिज के पास हूँ जो मैं अपने गांव से शुरुआत किया था ट्रिप का, यहाँ से लेकर राजगीर तक का। तो अभी एक अच्छा सा लोकेशन के पास पहुँचा तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट जर्नी, और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा ये वीडियो। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो मैं वीडियोस आप लोगों को देने वाला हूं, ये पूरे भारत में एक ऐसा ब्रिज बना है जो कि शीशे का है। आप लोग समझ सकते हो शीशे का ब्रिज कैसा होगा, मतलब उस पर चढ़ने में कैसा फीलिंग आएगा। तो एक वैसा ब्रिज दिखाने वाला हूँ और वो ब्रिज का जो साइज़ है ना वो 85 फीट है, तो वो चीज़ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो वी कंटिन्यू, उम्मीद है कि वीडियो आप फाइनली पहुंच चुका हूं राजगीर, और राजगीर आते के साथ टमटम पर बैठा हूं। और ये देखें कुछ ऐसा सीन है इधर का। और भाई इधर से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास इधर से ग्लास ब्रिज है, वहां तक लेकर जाएंगे हमें। और अभी मैं ब्रह्मकुंड के पास हूं, ये सामने ब्रह्मकुंड का बोर्ड रहा। और आप राजगीर आए और टमटम का मज़ा ना ले ऐसा हो ही नहीं सकता है। और थोड़ा अभी दोपहर का समय है तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और इधर बहुत टमटम दिखेगा यार, अगर आप लोग राजगीर आए तो इस चीज़ का मज़ा जरूर लें। क्या भाई? हाँ जरूरी है। कैसा मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। अच्छा विदेशी लोग आता है कि नहीं? हाँ, आता है। आता है ना? कब से आप चला रहे हैं इधर? 2008 से। 2008 से भाई चला रहे हैं। तो चलते हैं और आप लोगों को सफ़र दिखाते हैं कैसा होता है, बस आप लोग वीडियो में बने रहें। तो ये होती है यार टमटम की सफ़र शुरू, और सईद भाई भी साथ में है। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा भाई। कितना दिन के बाद बैठे हैं टमटम पर? बहुत टाइम भाई, बचपन से बैठे हैं। बचपन? अरे यार हमको बैठे तो बहुत दिन हो गया है। फर्स्ट टाइम राजगीर में जी। और बिहार का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है ये, अगर बिहार आते हैं तो राजगीर का नाम हर कोई के मुंह से सुनेंगे आप। और गाइस आप लोगों को बता दूं कि राजगीर जो घूमने का असली समय है ना वो ठंड के मौसम में है, लेकिन मैं बिहार आया तो सोचा आप लोगों को बिहार एक्सप्लोर कराऊं। और अभी देखो कितना धूप है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरा कोशिश रहेगा कि अच्छा से अच्छा दिखाऊं। तो गाइस इस सफ़र में दो भाई और जुड़ चुके हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी अलग ही अंदाज का फीलिंग आ रहा है। कैसा लग रहा है घोड़ा पर बैठकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो बिहार से हैं तो बिहार का ये जो घोड़ा है बहुत फेमस है, और स्पेशली राजगीर का, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, जब यदि राजगीर आते हैं तो घोड़ा पे सफर करने का एंजॉय ही कुछ अलग है। बहुत यहाँ पे गाड़ी भी बहुत सारा है लेकिन घोड़ा का मजा ही कुछ और, कुछ अलग है यार। आप लोग आए और मजा ले, ये जो है ना नेचर से जुड़ा हुआ है, नेचर से। और आप लोगों को अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ वो नेक्स्ट लेवल का है। ये है गुरुद्वारा, बेसिकली मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, कोशिश करूँगा अंदर से दिखाने का वक्त मिला तो, लेकिन अभी का तो कुछ अलग ही सीन है। अच्छा भाई जो ये घोड़ा चला रहे हैं इसका क्या नाम रखे हैं आप? काजल नाम रखे हैं? ओ तेरी काजल है, बड़ी फनी है। घोड़ा का नाम भाई साहब काजल रखे हैं, और गाड़ी का नाम क्या रखे हैं टमटम का? रणवीर। अच्छा ये काजल नाम रखे हैं, लड़की है या लड़का है? लड़की है, इसीलिए काजल रखे हैं ना।
तो गाइज ये जो टमटम देख रहे हो ना, जिस पर भाई लोग मिले थे हमें, दो लोग बेसिकली, वो लोग भी यूट्यूबर हैं यार, और हमारे ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो सपोर्ट करना तो बनता है यार। आप लोग जाकर सपोर्ट करें इनका, और अपना चैनल का नाम बताएं। मेरा नाम ब्रांड जेपी ब्लॉक है, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए। आप लोग के लिए हम कितना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं। इतना धूप है, 45 डिग्री से टेम्परेचर है, फिर भी आप लोग के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब करिए चैनल, सब्सक्राइब करें भाई को, सपोर्ट करें, और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, और भाई से भी मिलकर अच्छा लग रहा होगा। हाँ तो गाइस, फाइनली पहुंच चुका हूँ, जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ चुकी है। जो गाना सुनेंगे आप लोग सिर्फ वही अंदाज में, और ये गेट नंबर 5 से एंट्री होती है हमारी, जो कि मैं ऑनलाइन टिकट परचेस किया, वो मैं जब ग्लास ब्रिज पर जाऊंगा तो उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। गाइस फाइनली एंट्री हो चुकी है, ये जो एंट्री हुई है ना वो बिल्कुल अंदर हो चुकी है, मीन्स जहाँ पर टिकट चेक होता है उससे भी अंदर। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो बिल्कुल नेचर में बसा हुआ है यार, और ये प्रकृति का बना हुआ सिर्फ पहाड़ है, लेकिन ये सब जो दिख रहा है ना, ये बिल्कुल नेचर में बसा हुआ है, और नेचर का बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना हैंडमेड का कलर किया हुआ है, वो दिखाऊंगा आप लोगों को मैं अभी। ग्लास ब्रिज, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बार बार बातें कर रहा हूँ। और सईद भाई ये बताओ, यहाँ आने के बाद कैसा लगा? यहाँ से आने के बाद बहुत बढ़िया लगा भाई, लेकिन यार गर्मी जो है ना नेक्स्ट लेवल है बहुत। बस सिर्फ इसीलिए मैं इधर आया, क्योंकि मैं जो अभी जो ट्रिप करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो उस बीच में कुछ सोचा कि मैं आप लोगों को बिहार दिखाऊं। तो गाइस जैसे ही आप 5 नंबर गेट से इंटर करेंगे, तो जस्ट उसके फ्रंट साइड में एक बिल्डिंग दिखेगा आप लोगों को छोटा सा, वही मेन काउंटर है जहाँ से आप ग्लास ब्रिज का टिकट ले सकते हैं, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि ऑनलाइन लेने में ज़्यादा ठीक है, क्योंकि एकदम बेफिक्र होकर आराम से टिकट घर से लेकर आओ, मस्त एक अच्छे अंदाज के साथ एक्सप्लोर करो। और मौसम लग रहा है धीरे धीरे थोड़ा सही हो रहा है क्या? सही हो रहा है, सही हो रहा है। तो चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ क्या है अगला प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस तो हमारा टिकट चेकिंग हुआ, लेकिन मैं तो दोनों चीज़ का टिकट परचेस कर चुका था। सो ये रहा गाइस फाइनल काउंटर, यहाँ से एंट्री होती है, और उसके बाद से गाड़ी से पिकअप किया जाता है और अंदर लेकर जाया जाता है एक अच्छे से नज़ारों के साथ। सो जो ये गाड़ी देख रहे हो ना आप लोग, बेसिकली यही गाड़ी है जो कि आपको इधर से लेकर जाएगी एक अच्छे नज़ारे, मीन्स ग्लास ब्रिज के पास, और वहाँ से आप एक एडवेंचर का शुरुआत करेंगे। और वीडियो सीक्रेट होगा तो जमा कर देंगे, नहीं तो पकड़े जाने पर फाइन का साथ कार्रवाई किया जाएगा। कार्रवाई किया जाएगा, भाई साहब का कहना बिल्कुल सही है। और इधर भी अभी क्राउड थोड़ा कम दिख रहा है, उसका बाद सबसे बड़ा रीज़न ये है कि धूप काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ठंड के मौसम में तो नेक्स्ट लेवल एडवेंचर होता होगा, पूरा क्राउड होता होगा ना। ठंड में कैसा होता है इधर भीड़? बहुत भीड़ है, ठंड रहे चाहे गर्मी रहे, साल घड़ी भीड़ है। तो भाई साहब का कुछ ऐसा कहना है, आप लोग किधर आए हैं एक्सप्लोर करने? कहाँ कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से। पंजाब से आए हैं, इसके बारे में कोई तो बताया होगा? हाँ, इसमें देखे थे ना, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा है। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ। हाँ तो गाइस फाइनली एंट्री हो चुकी है हमारी वैन के अंदर, और अंदर का कुछ ऐसा इंटीरियर पॉइंट है, बिल्कुल ऐसी है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। ये देखो धूप कितना है इधर। हाय करते हैं सब लोग। सो गाइस फाइनली एंट्री होता है यहाँ से मेन गेट का एंट्रेंस, और इधर का कुछ ऐसा सीन है, आई एम एट नेचर सफारी, ये देख सकते हो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, राजगीर बिहार, और काफ़ी अच्छा लोकेशन है यार इधर का। और कुछ ऐसा सीन इधर का गाड़ी का, वो गाड़ी लगभग 20 मिनट की राइड कराती है और कुछ ऐसे लोकेशन पर लाकर छोड़ती है, और यहाँ से जर्नी शुरू होती है हमारी, जो कि वो मेन गेट है, और वहाँ से एंट्री करूँगा और पहुँचूँगा एक प्यारा सा लोकेशन। ये देखो अभी मैं राजगीर गेट के पास हूँ, मीन्स 0 किलोमीटर, और यहाँ से अभी ग्लास ब्रिज का जो टोटल डिस्टेंस पड़ा है वो 129 किलोमीटर, जो कि मैं कवर कर चुका हूँ, और पहुँच चुका हूँ मैं उस लोकेशन पर, मीन्स ग्लास ब्रिज के पास। और कुछ दूर चलने के बाद शायद हमें वो लोकेशन देखने को मिले और आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ। और ये रहा इधर का मेन एंट्रेंस, जो कि आप लोग जैसे ही गाड़ी से उतरेंगे और कुछ ऐसा सीन मिलेगा। और भाई लोग भी जुड़ चुके हैं, भाई लोग बिहार के हैं और समस्तीपुर से आए हैं, और इनका कहना कुछ ऐसा है कि अभी मैं जू सफारी घूम कर आ रहा हूँ और उधर जानवर थोड़ा कम दिखाएगा। तो ये रहा यार ग्लास स्काई वॉक, पैदल चल के चढ़ना पड़ेगा तभी तो एक अच्छा नज़ारा मिलेगा, बिना एडवेंचर बिना ट्रैकिंग के ऑफ रोडिंग के कैसे अच्छा मिल सकता है देखने को। हाँ तो भाई अभी का सीन कुछ ऐसा है कि इधर आने के बाद ये जो लाइन देख रहे हो आप लोग, इस तरह लाइन से बैठा दिए हैं ये लोगों ने,
और भाई बहुत दूर से आए हैं यूपी से एक्सप्लोर करने के लिए स्पेशली ये ग्लास ब्रिज। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि सिर्फ नंबर बाई से भेजा जा रहा है और इधर लाइन में खड़े रहो, धूप रहे छा रहे, इससे कोई परवाह नहीं है इन लोगों को। और बहुत गर्मी इधर, आप लोग बिहार के हैं तो जानते होंगे किस कदर की गर्मी है बिहार में। लेकिन यार यहाँ पर कुछ अलग है, पहाड़ के बीच का गर्मी। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे हैं, बस इस तरह बैठे रहो, कुछ लोग अंदर जाते हैं तो कुछ लोग इस तरह लाइन में पड़े रहते हैं। क्या भाई आपको कैसा फेस हो रहा है इधर आने के बाद? भैया तो हम तो जो सोचे थे वैसा नहीं हमको महसूस हो रहा है। यहाँ आने के बाद हमको पता चला है कि बहुत ही कष्ट हो रहा है। और ये भाई यूपी से हैं और इनका ग्रुप है पूरा का पूरा, ये लोग स्पेशल बिहार के राजगीर घूमने के लिए आए हैं। 8 दिन के टूर है हम लोगों का। हाँ। जो हम गोरखपुर से चल के आए हैं और रात को हम लोग राजगीर में ठहरे हुए थे। अच्छा अच्छा, ये बताइए ये ग्लास ब्रिज के प्रति क्या एक्साइटमेंट था आपका? अरे देखे थे कि मतलब बहुत खूबसूरत जगह है, सुने थे किसी से कि वहाँ व्यवस्था भी बढ़िया है, लेकिन आने के बाद पता चल रहा है कि जो चीज हम सुने थे वैसा व्यवस्था नहीं है। वैसा व्यवस्था नहीं है मीन्स ग्लास ब्रिज के पहले का, ग्लास ब्रिज के अंदर का क्या व्यवस्था होगा वो तो जाने के बाद पता चलेगा शायद अच्छा हो। तो अब गाइस वक्त आ गया है स्काई ब्रिज जाने का, ग्लास ब्रिज। और इधर से भाई साहब नंबर वाइज हम लोगों को अंदर कर रहे हैं और चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अब आती है यार हमारी बारी टिकट चेक। भाई यार हर जगह टिकट। अंदर आने के बाद का कुछ सीन ऐसा है और यहाँ से शुरुआत होती है ग्लास ब्रिज का डेस्टिनेशन पॉइंट। और पहला कदम आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कैसा रहता है। ये कुछ ऐसा रहा गाइस, ये 3 लेयर में है और कुछ ऐसा सीन है, ऐसे सीढ़ी बना हुआ है, ऊपर चढ़ता हूँ और ऊपर चढ़ने के बाद का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को। कैसा महसूस हो रहा है? ठीक महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है शीशा पर चलना, समझ सकते हो यार पूरे भारत में ये पहला है और काफ़ी अच्छा है। ये देखो वाह नाइस, क्या हवा आ रहा मस्त एकदम। ओ तेरी पूरा नीचे दिखता है ये देखो पहला, ये जो पैर है ना लगेगा देखने में कि मैं ज़मीन पर रख रहा हूँ। और जैसे जैसे आगे जाओगे वाह नज़ारा, ये देखो वादियाँ पूरा नेचर में यार। यहाँ से हमको लगता है कि ये राजगीर का पूरा जो बेस्ट व्यू है वो देखने को मिलेगा। और वो देखो एक्सटेंशन ब्रिज, वहाँ पर भी जाऊँगा, उसका भी टिकट लिया हूँ और बहुत ही मस्त है यार, क्या हवा आ रहा है भैया। एक साइड जाके बढ़िए आप लोग, एक साइड जाके। ये देखो नीचे, डर लगता है यार देखकर थोड़ा। बड़े भाई बढ़िए, कैसा लग रहा भाई इधर आकर? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा यहाँ पर लोग सेल्फी वेल्फी लेते हैं। सारी शिकायतें खत्म हो गई जो भी बाहर थी, खत्म हो गया। ये जो हवा आ रहा है लग रहा है कि स्वर्ग से हवा आ रहा है। थोड़ा हिलता भी है ना? हल्का हल्का हिल भी रहा है यार। और ये देखो फ्रंट साइड से कुछ ऐसा सीन है और बहुत मजा आ रहा है यार। ये देखो पूरा व्यू दिख रहा है राजगीर का पूरा, अभी बरसात का मौसम है और पूरा ग्रीन 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 एकदम हर जगह। ओ भाई चलो नीचे दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो ओहो पूरा एकदम मतलब शीशा में समझ सकते हो कि जमीन पर पैर रख रहा हूँ, ऊपर से डायरेक्ट नीचे। और ये देखो साइड का व्यू पॉइंट। अरे बैठिए नहीं भैया, अभी एक बार फोन में बैठना नहीं है। अच्छा इस पर बैठना नहीं है, क्या क्या चीज़ इसमें करना नहीं है? मीन्स बैठना नहीं है, दौड़ना नहीं है, बैठना कूदना दौड़ना ये सब मना, ये सब मना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा हिलता भी है ये। क्या हवा है यार, ये देखो लहर लहराती हुई साले। 5 मिनट का टाइम मिला लेकिन बिल्कुल बेस्ट मिला और काफी अच्छा मिला यार। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा भाई, बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा भाई बिल्कुल। आओ आप लोग, टाइम कम पड़ गया। ओ और थोड़ा टाइम चाहिए दिए थे ना, वो शिकायतें खत्म हो गई है। दिल गार्डन हो गया, जो भी दिखा बढ़िया दिखा। और भाई साहब लोग इधर गार्डिंग के लिए बिल्कुल खड़े रहते हैं और काफी अच्छा रिस्पांस देते हैं। सस्पेंशन ब्रिज चले जाइए, इधर से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सस्पेंशन ब्रिज, जिप लाइन, साइकिलिंग, कैंटिंग पार्क। तो इतना कुछ जगह है जो कि अभी बाकी है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर से रिटर्निंग नेक्स्ट जर्नी की ओर आगे बढ़ूंगा। हाँ तो भाई ये देखो, ये जो है ना एंट्री पॉइंट है और जस्ट इसके सामने से एग्जिट पॉइंट है, तो मेरे जैसा गलत रास्ते पे मत जाना आप लोग, सीधा जाना। तो इधर से होती है एग्जिट और वो रही सामने ग्लास ब्रिज, और इसको करता हूँ बाय बाय।
कोशिश रहेगा कि फिर से एक बार आऊँ और फिर से आप लोगों को दिखाऊँ। एक छोटा सा ट्रिप था, काफ़ी अच्छा कोशिश किया दिखाने का। सो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा और अभी के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।